बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टेस्ट विद राबिया के साथ हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कुल्फा घर में बगैर क्रीम के और बगैर कंडेंस मिल्क के और बगैर किसी बेटर के। हम इसको बहुत ही आसानी के साथ घर में बना सकते हैं, मेहमानों के लिए बनाएं या फिर किसी दावत के लिए बनाएं। एक दफा अगर आपको बच्चे खा लेंगे तो आपसे बच्चे तो रोज ही फरमाइश करेंगे कि आप मुझे ये बना कर दें। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें और कोई भी चीज है ना वो मिस नहीं करनी है आपने। तो चलिए शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक अदर फ्राई पैन, और इसमें लेंगे हम दूध आधा लीटर फुल फैट के साथ। तो दूध के ऊपर की बलाई भी मैंने इसके अंदर ही डाल दी है, ये देखें इसके अंदर आ रही है। अपनी मर्जी के हिसाब से, टेस्ट के हिसाब से आप इसको फ्लेवर दे सकते हैं। तो मैं इसमें 3 से 4 अदद साबुत इलायची डाल दूंगी। आधा किलो दूध है, 1/2 कप चीनी है, मैं इसके अंदर डाल दूंगी इसको। अब हम इसको अच्छे से बॉयल करेंगे। ब्रेड हमने मीठी ली है, मीठी ब्रेड लेनी है हमको। ब्रेड को हम इस तरह से जग के अंदर डाल के इसका जो हम ब्रेड क्रम बना लेंगे। तो एक तरफ हमारा दूध जो है वो गर्म हो रहा है। जब दूध हमारा बॉयल हो चुका है, जब इस ये अच्छे से बॉयल हो जाए तो आप इसके अंदर हम डालेंगे, ये हमारा जो ब्रेड क्रम था इस तरह से बन गया था, तो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और साथ साथ इसको इस तरह से हिलाती जाऊंगी। हमने इसको अच्छी तरह से पकाना है, इसको 4 से 5 मिनट लगने हैं इसको पकने में जी। तो ये हमारा पकना शुरू हो गया, जो हमने दूध के अंदर ब्रेड डाला था ये देखें, और गाढ़ा भी होना शुरू हो गया। अब हम इसको टोटल हमने इसको 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है। तो जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर हम इसको उतार लेंगे ऊपर से। 5 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं ये इसको पकते हुए, ये देखें ये इतना माशाल्लाह से इस बैटर इसका इस तरह से गाढ़ा सा बन गया। अब हम इसको चूल्हा करेंगे बंद। चूल्हा हमारा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्लो फ्लेम होना चाहिए ताकि ये जल्दी जल्दी से जल ना जाए। अब हम इसको बंद करेंगे और ग्राइंड करेंगे। ये देखिए हमने इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया है, और जो फ्लफी सा जब हो जाए अच्छी तरह से, इसके जो सारे ज़र्रात हैं वो सारे हल हो जाएँ, तो आप इसको किसी भी अच्छे से बॉल में डाल लें, कोई डिब्बा ले लें, चाहे तो किसी सांचे में डाल के कुल्फियाँ वगैरह बना लें। इस तरह से आप इसके ऊपर से कोई भी गार्निशिंग करें, कोई भी नट्स आप डाल सकते हैं, आपको जो पसंद हो वो डाल के आप इसकी गार्निशिंग कर लें। और आपने इसको ओवरनाइट के लिए आपने इसको फ्रीज़र में रखना है। तो जी मिलते हैं ओवरनाइट इसको फ्रीज़ करने के बाद। ये देखिए कुल्फा हमारा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है ओवरनाइट जो रखने के बाद, जिसको मैंने निकाला है। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल स्मूथ है। ये देखो मैं आपको हैंड के साथ बताती हूँ, ये देखें कितना मुलायम है माशाल्लाह से, बिल्कुल आपको बाजार जैसा जो कुल्फा है ना वो घर में मिलेगा। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी वीडियो अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दें।